फाइनली एंट्री हो गई है सोनमर्ग, कश्मीर का स्वर्ग। सोनमर्ग को गोल्डन मीडोज के नाम से भी जाना जाता है। मीडोज मतलब घास के मैदान और गोल्ड मतलब सोना, तो सोने का मैदान। सोनमर्ग सोनामर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और फिलहाल तो ये वाइट गोल्ड बना हुआ है और वाइट गोल्ड जो है वो गोल्ड से भी महंगा है। सोनमर्ग समुद्र तल से 8,950 फुट की दूरी पे है। क्या जानते हो? नहीं जानते तो जान लो, खूबसूरती देखो। अमरनाथ जी की भी जो यात्रा जाती है वो दो रास्तों से जाती है, एक ये सोनमर्ग होते हुए बाल्टर होते हुए, दूसरी पहलगाम से। जो ये सोनमर्ग वाला रूट है ना, बाल्टर वाला, ये कहते हैं कि ये शॉर्टकट पड़ता है, बट इसकी हाइट बहुत स्टीप है। अभी जल्दी अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो जाएगी जून के महीने में, फिर पूरे इस रोड पे चहल पहल होगी। अभी सीजन शुरू हो रहा है ये वाला। बस कुछ देर और फिर सैलानियों से ये इलाका पूरा भरा होगा। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं पहुंच गया हूँ सोनमर्ग और राजू मेरे साथ है। राजू भाई, अब हम ऊपर बर्फ देखने जा रहे हैं। किसी शायर ने सच ही कहा है, अगर फिर दोस्त बर रोए जमीं अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। मतलब अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है सोनमर्ग। यहाँ कहीं सोनामर्ग दो अलग नाम है पर मतलब एक ही है। मुझे अभी तक का सबसे सुंदर जगह लगी है। विंटर के लिए तो बेस्ट है, शांति है, आपको स्नो भी बहुत अच्छी मिल जाएगी और स्नो स्पोर्ट्स भी हैं, स्लेज है, वाटर स्कूटर्स है। बट क्या है, मैं अभी समय से थोड़ा पहले और समय के बाद आ गया है ना, तो वाटर स्कूटर जो स्नो स्कूटर से वो बंद हो चुके हैं। आगे हो सकता है बालटाल में मिले। और आप तब तक लीजिए नज़ारे यहाँ के और यहाँ के बारे में और बताएंगे राजू भाई। हेलो गाइस, मेरा नाम राजू है। मेरी खुद की नाम भी एक चैनल भी चल रही है, उसका नाम भी है राजू भट्ट नाम है उसका। तो दरअसल क्या है, इससे परसों मुलाकात हुई है सिमरन भाई से। उस टाइम हम गांधरबल में थे, गांधरबल उसका नाम था दुदरहुमा, हम वहीं पे मिले थे और मुझे इससे मुलाकात हुई थी। उसके लिए मैंने गैस भी लाया। तो कल ये पूछा सोनमर्ग की रात को मेरे ही कमरे में रुका था। तो अब हम जा रहे थे यहाँ, उसको मैं बोला ऊपर नज़ारा बहुत ही अच्छा है, अब हम जा रहे थे ऊपर, तो उसने भी ऊपर का मज़ा लिया। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे और आप लोग भी आओ यहाँ पर, और आप लोग ज़रूर आना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। कौन सा टाइम ठीक रहेगा आने का? तकरीबन यहाँ मार्च अप्रैल से अगस्त तक ठीक रहता है। और वहाँ से टूरिस्ट भी आते हैं उसी, मतलब अपनी। और विंटर में कब तक रहता है? विंटर में रास्ता यहाँ पे बंद ही होता है। राजू भाई, यहाँ पर रूम्स किस रेंज में मिल जाते हैं? रूम्स यहाँ पे तकरीबन 500 से 1500। गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है, एक वो है एडवाइस है कि यहाँ कैंप करने के बारे में मत सोचना, ठंड बहुत ज्यादा है। रात को हम कितनी रह जाएंगे? बर्फ मतलब पिघल जाती है ना पूरी, उसके बाद मतलब मौसम। रात को हम कितने बजे जाएंगे? रात को 2 बजे से। और दो तक हम व्लॉग को एडिट कर रहे थे, सिमरन भाई भी कर रहा था, मैं भी कर रहा था। और मेरे चैनल पे जरूर जाना, वहाँ पे भी देखना, मतलब मैंने सोनमर्ग का भी स्नो व्यू सब कुछ दिखाया है मेरे चैनल। अब मैं भाई का लिंक भी शेयर कर दूंगा इसमें।
और रात को हम 2 रजाइयां लेके सोए थे, तो भाई ये चीज सोच लो कि बाहर कैंप कर नहीं सकते, बहुत ठंड है बाहर, ठंड बहुत होती है। तो रूम्स भी अफोर्डेबल है, भाई का खुद का होटल है और उसमें भी रूम मिल जाएंगे, उसकी भी लोकेशन आपको शेयर कर दूंगा। और अब आगे मिलते हैं, आगे क्या क्या है वो दिखाते हैं। सिमरन भाई कैसा मजा आ रहा है? नीचे जा सकते हो आप, वहां से नहीं जाना भाई, यहाँ से जाना, यहाँ से नहीं, यहाँ से चलो चलो, वो ठीक है, जाओ चलो आराम से उतरना है। ये देख सकते हैं आप भाई, सिमरन भाई कैसे उतर रहा है, अपने फुटस्टेप नहीं डाल सकते हो। ओ सिमरन भाई क्या हुआ? यहाँ आपको जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के कॉटेजेस भी मिल जाएंगे, जिसको आप उनकी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, JKTTC। ये राजू भाई और की शॉप है, रात को मैं यहीं पर रुका था, और कुछ भी सामान चाहिए हो ना यहाँ सब कुछ मिलता है, मोबाइल एक्सेसरीज, पावर बैंक्स, स्पीकर्स रिपेयरिंग भी है, और ग्रोसरी का सामान भी है, हर चीज मिल जाएगी यहाँ पर, मल्टी प्रोडक्ट स्टोर है और रूम्स भी है। बन गया खाना? उठा दे। ओ उठ। हो गया। तो भाई लोग सोनमर्ग से अपडेट ये है कि पहली चीज़ जो नोट करने वाली है वो है कि फ्राइडे को होता है ड्राई डे, ड्राई डे यानी मेंटेनेंस का दिन, उस दिन ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद होता है, बाकी दिनों में जो है ट्रैफिक ऑल्टरनेट डेज चलता है, एक दिन इधर का छोड़ा जाता है, एक दिन उधर से छोड़ा जाता है, और मैं फंस गया हूँ बीच में। आज है थर्सडे, आज ट्रैफिक ऊपर जाना बंद है, कल ड्राई डे है, परसों उधर से ट्रैफिक नीचे को आएगा, तो संडे को मैं जा सकता हूँ ऊपर, और संडे तक मुझे यहीं पर अब बैंड बजवानी पड़ेगी, देखते हैं क्या किया जाए, कैसे रुका जाए, बाकी और अपडेट। चलो अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी क्या है, गर्मी में बुरा हाल हो रहा है और रात को उतनी ठंड पड़ेगी। कल रात को तो मैं राजू के पास रुका था भाई, और तीन रजाइयाँ लेके पड़े हुए थे, और तब भी ठंड लग रही थी। अब क्या वो लोग चले जाएंगे, अभी जाने वाले हैं, और चल जाने से पहले मिल लेंगे। यहाँ भी कंफर्म हो गया कि हाँ कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, संडे से पहले, संडे तक अब यहीं फंसे हैं। टाइम आपको बताया कि भाई अब आने वाले 3 दिन के लिए रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकते लेह की तरफ को, तो 3 दिन के लिए मेरा स्टे यहीं पर ही है, इस शेड के नीचे। यहाँ भालू की प्रेजेंस बहुत है, डेली रात को भालू आता है, तो दिखा देता हूँ। भालू से लड़ने के लिए मेरा यंत्र ये रहा, इधर वाली कोट कोट के लाल करांगे, यहाँ की पता वो कर दे। अब बस 3 दिन यहीं पर काटने हैं, उसके बाद निकलेंगे ले को। कहाँ, मैं रुकने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ से निकल रहा था, अब बस गया यहीं पर। तो आप लोगों के लिए भी ये एक राय है कि हाँ, चलने से पहले फ्राइडे का दिन तैयार रखिएगा, कि फ्राइडे का दिन जो है वो है ड्राई डे, उस दिन मेंटेनेंस होती है रोड की, तो उस दिन रास्ता बिल्कुल बंद होता है, कोई नहीं आ जा सकता। और वैसे नॉर्मल डेज में ट्रैफिक जो है वो एक दिन इधर से जाता है, एक दिन उधर से आता है, तो उस तरीके से प्लान करिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब मैं बनाने लग रहा हूँ अपने लिए खाना, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है, तो आज मैगी बना रहा। और फिर हम सोएंगे क्योंकि फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं है। चलो हम यही बोलते हुए एंड करते हैं वीडियो को, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और होप सो भालू के भी दर्शन हो जाएं।